You are tarang, 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 tarang. You are tarang. मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। जय यीशु सभी को। मेरा नाम कल्पना छाया लकड़ा है और मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरे विचार से बॉयफ्रेंड का होना मेरे जीवन में तभी सहायक होगा जब मैं अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य कार्य अच्छी तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा पा रही हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर बॉयफ्रेंड के मेरे जीवन में होने से ईश्वर से मेरा रिश्ता बाधित नहीं हो रहा है और मैं प्रभु के मार्ग में चलते हुए अपने जीवन के हर एक कार्य में ईश्वर को प्रथम स्थान दे पा रही हूँ, तो बॉयफ्रेंड का होना मेरे जीवन में सहायक है, अन्यथा घातक। सबों को जय यीशु। मेरा नाम मेहरनुष बड़ा है और मेरे हिसाब से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहना तब गलत हो जाता है जब उनके बीच में प्रभु यीशु नहीं रहते हैं। यदि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में अगर प्रभु यीशु और पवित्रता है तो वो सही है, अन्यथा गलत है, घातक है। सभी को जय यीशु। मेरा नाम जैस्मिन कुजूर है, मैं एक अध्यापिका हूँ। आज का जो टॉपिक है कि हमारे जीवन में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या ज़रूरी है? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे जीवन के लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ज़रूरी है। इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन आजकल ये कॉलेजेस या फिर स्कूल में ट्रेंड बन गया है कि हमारे लाइफ के लिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। हमें अपने माता पिता पर विश्वास होना चाहिए और अपने स्वर्गीय पिता पर कि वे हमारे जीवन के लिए एक अच्छे जीवन साथी या फिर एक अच्छे जीवन संगनी हमारे लिए देंगे, जो हमारे जीवन के लिए हर पल हर क्षण वे हमारे साथ रहेंगे। वे हम क्योंकि आजकल का जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वो कुछ समय के लिए हमें खुशी प्रदान करता है, हमें अच्छा अंदर से एक अच्छा फील कराता है, बट ये ज़्यादा समय तक नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इन सारे चक्रों में फंस करके डिप्रेशन या फिर सुसाइड के कदम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो माता पिता हमारे लिए जीवन साथी खोजते हैं उसमें प्रेम होता है, विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति हमेशा सहयोग देने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। वे कभी भी आपको किसी भी जीवन की राह में आके अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं अपने सभी युवा भाई बहनों से यही निवेदन एवं आग्रह करती हूँ कि वे अपने माता पिता की बात सुने और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको एक अच्छा जीवन साथी प्रदान करें और आप इन सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चीज़ों में ना फंसे। सभी को जय यीशु। मेरा नाम आर्यन है, मैं भवानीपुर का रहने वाला हूँ और मेरा जो आज का विषय है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन के बारे में। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते क्या है। सही मायने में देखा जाए तो गॉड भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन को मायने नहीं देता, वो शादी को मायने देता है, विवाह को जोड़ा है, दो व्यक्ति को जोड़ा है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो
तो एक अच्छे दोस्त की तरह हो, उसमें आप अच्छे भलाई सोचो, गलत सोच ना रखो, गलत विचार ना रखो, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे साथी की तरह रहो, ताकि आप उन्हें हर गलत चीज़ों के विषय में बताकर उन्हें सही चीज़ों में लाइए, बताइए, और वो अगर भटक रहे हैं तो उनकी सही ज्ञान उनको दीजिए, उनको अच्छी बातों बताकर उनको अपने पास ले आइए, प्रभु के पास ले आइए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को पसंद करें ठीक है, आप करिए, लेकिन उसमें पवित्रता रखिए, उसे गलत नज़र से ना देखिए, उस भाव से ना देखिए जो दूषित हो, जो कलंकित हो। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप ऐसी रिश्तों में विश्वास ना करें, बल्कि आप एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे व्यक्ति बने एक दूसरे के लिए, और जैसा गॉड ने, जैसा ईश्वर ने हम सबसे प्रेम किया, वैसे ही एक दूसरे से आप प्रेम करें, ना कि उस तरह जो संसार करता है। जय शु सभी को, मेरा नाम सुधा धान है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होना, डेटिंग रिलेशनशिप में होना, मेरे विचार में सिर्फ तभी सहायक हो सकता है अगर वो सिर्फ विवाह के उद्देश्य से हो, सही उम्र में हो, ताकि हमारी पढ़ाई को कोई नुकसान ना हो और हम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में सक्षम हो और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो। अगर डेटिंग रिलेशनशिप में होना हमें किसी गलत दिशा की ओर ले जाता है या किसी गलत काम करने में मजबूर करता हो, तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। सभी को जय यीशु, मैं अनुराग एक्का, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के विषय में मेरा मानना यह है कि एक लड़का और एक लड़की का दोस्त होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जब एक लड़का और एक लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में बंध जाते हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि हम शादी के बिना ही एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि एक लड़का एक लड़की को पसंद नहीं कर सकता, बल्कि वैवाहिक जीवन के लिए एक लड़का और एक लड़की का एक दूसरे को पसंद करना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सही समय का इंतजार करें, और मुझे लगता है कि विवाह से अच्छा और सुंदर अवसर कुछ हो ही नहीं सकता जब आप एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार पवित्र त्रित्व और कलीसिया के सामने करें। जय यीशु, मेरा नाम मोनालिसा श्रीवास्तव है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। जैसा कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो बॉयफ्रेंड बनाना या गर्लफ्रेंड बनाना हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर, हमारे इंटेंशन पर। हम किस इंटेंशन से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, हमारा क्या इरादा है, किस इंटेंशन से हम बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी सोच में सिर्फ बात करना, चैटिंग करना, उनको यूज करना, टाइम पास करना, यदि ऐसा इंटेंशन है हमारा, तो मुझे नहीं लगता कि ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी। लेकिन यदि इसके विपरीत, यदि हम उनका केयर करते हैं, समय पड़ने पर उनकी हेल्प करते हैं, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हम अच्छे इरादे से बनाते हैं एज ए फ्रेंड, तो ये रिश्ता गलत नहीं है। और रही बात कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है या नहीं, तो मेरे सोच और समझ के हिसाब से बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी नहीं है, इस रिलेशनशिप की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि आज की यूथ, आज की जनरेशन इस रिश्ते के पीछे भाग रही है, उनको ऐसा लगता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है, तो यदि उनका इंटेंशन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, वो एक दूसरे को इस्तेमाल करें, वो इस दूसरे को के साथ मिसबिहेवियर करें, उनका गलत यूज करना और टाइम पास के पर्पज से यदि ऐसा कर रहे हैं, तो ये रिश्ता गलत है, अन्यथा सब कुछ सही है। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसके जरिए आपको बहुत सारी कृपाएँ प्राप्त हो रही हैं और आपको बहुत सारी प्रेरणाएँ मिल रही हैं। जहाँ तक हो सके मेरा ये प्रयास है, हमारा ये प्रयास है कि इस कार्यक्रम को आपके जीवन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम बनाएं, आपके जीवन से संबंधित विषयों को उठाकर आपको प्रेरणा देना, आपको प्रोत्साहित करना, आपको सही दिशा देना, ये हमारा काम है। और आपने ख्याल किया होगा, हर बार हम आपको सुनना भी चाहते हैं। आज अभी अभी आपने हमारे कई छोटे भाई बहनों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में सुना, बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने खुलकर अपने दिल की बातों को हमारे सामने रखा है। जैसे पिछले सप्ताह में आपने देखा
कि हमारे युवा दंपतियों ने खुलकर अपनी जिंदगी की बातों के बारे में आपको बताया है। प्रभु को धन्यवाद हो। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप भी इसी प्रकार किसी विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, ज़रूर आप उसको रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, हम उसको प्रसारित करेंगे। ये कार्यक्रम आपका है और मैं चाहता हूं जहां तक हो सके आपकी भी इसमें सहभागिता हो, ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें। मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं युवाओं के लिए काम करता था और मेरे हृदय में युवत्व है और मैं फॉलो करता हूं युवाओं की बातों को, उनके बीच के रिश्तों को। तो पहले पहले जब मुझसे लोग पूछते थे, युवक युवतियाँ पूछते थे, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा है, तो मैं बोलता था अच्छा है। अगर आपको कोई ऐसा मित्र मिले जो आपको प्रेरणा दे, सही मार्ग बताएं, सहारा दें, प्रोत्साहित करें, कितनी अच्छी बात है। सारी बातें आप खुलकर अपने माँ बाप से नहीं बोलते हैं, कुछ बातों को आप छिपा के रखते हैं, खुलकर बोल नहीं पाते हैं। अगर आपको कोई समझदार मित्र मिले बहुत ही अच्छी बात है, बाइबल भी इसके साथ है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं और सुनता हूं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर जो हो रहा है युवक युवतियों के बीच में, ये तो पूरी तरह से पतित कार्य है। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम पर जो हो रहा है ये पाप है, सरासर व्यभिचार है। यहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहां रह गए? ये तो अविवाहित पति पत्नी है, अनमैरिड हस्बैंड एंड वाइफ। अब मेरा सवाल है, अब विवाह के लिए क्या रह गया है? पति को देने के लिए, पत्नी को देने के लिए क्या बचा है? वही आहें, असंतुष्टि, गालियां, तलाक की धमकी, और क्या रह गया है? एक लंबी जिंदगी बाकी बची है, लेकिन थोड़े से मजे के लिए आपने सारी जिंदगी को बिगाड़ दिया। कितनी बड़ी मूर्खता है। अभी 2 साल पहले दो लड़कियां, 23-24 साल की लड़कियां मेरे कमरे के सामने आई। एक लड़की बहुत बुरी तरह से रो रही थी और दूसरी लड़की सहारा दे रही थी। जो लड़की रो रही थी वो बार बार मुझसे पूछती जा रही थी, प्रभु ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मैंने कहा बेटा बताओ क्या हुआ। उसने कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का इसी आश्रम में मिला था, वो भी सत्संग में आया हुआ था। उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने फ़ोन नंबर दिया, बातचीत शुरू हो गई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगे। जहाँ जहाँ उसने मुझे बुलाया वहाँ मैं गई, जो जो उसने चाहा वो सब मैंने किया, उसको करने दिया। लेकिन जिस समय मैंने कहा गंभीरतापूर्वक कि हम शादी करेंगे, तो गायब हो गया, उसने नंबर बदल दिया। और मैं ढूंढती रही कि वो किस गांव का है, जो नाम वो बताया था मैं वो गांव गई थी और वहां पर मुझे पता चला कि इस नाम को कोई लड़का ही नहीं है इस गांव में। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा तुमने एक अनजान लड़के को अपना फोन नंबर दे दिया, क्यों? अगर वो गलत इस्तेमाल करता तो? वो जहां कहीं भी बुलाता था, जो भी चाहता था, वो तुमने कराया क्यों? तो उसने कहा था कि मैं शादी करूंगा। अच्छा, उसने वायदा किया कि मैं शादी करूंगा, तुमने अपना शरीर उसको दे दिया। कोई वायदा करता है कि मैं तुमको नौकरी दूंगा तो तुम उसको अपना शरीर दे देगी? कोई वायदा कहता है कि मैं तुमको पैसा दे दूंगा तो तुम अपना शरीर दे दोगी? मैंने कहा बेटा ये तो वेश्यावृत्ति है, ये वेश्यावृत्ति है, तुमने किया क्यों ऐसा? उसने कहा इसी जगह से तुम लड़का मिला था मुझे। धोखा खा गई। उसने क्यों धोखा खाया? कई बातें। सबसे पहले वो बेवकूफ थी, किसी ने भी कुछ भी कहा उस पर विश्वास किया उसने, किसी ने भी फोन नंबर मांगा उसने दे दिया, वो मूर्ख थी, बेवकूफ थी। दूसरी बात, मेरा पक्का विश्वास है
उसके माँ बाप बार बार उसको बताए होंगे कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन उसने ज़िंदगी को हल्के से लिए। अब जानते हैं स्तोत्र 49:9 में लिखा हुआ है, Psalm 49:9 वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। ये जीवन अनमोल है, ये जीवन अनमोल है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 26 में प्रभु येसु कहते हैं जीवन के बदले मनुष्य दे ही कह सकता है, जीवन के बदले मनुष्य दे ही कह सकता है। ये जीवन कितना अनमोल है। कितनी नारियां एक बच्चे के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही हैं। जीवन ईश्वर का एक बहुत बड़ा दान है। इस लड़की ने उस जिंदगी को, उस जीवन को हल्के से लिया था। तीसरी बात, उसने अपने शरीर को मनोरंजन का, आस्वादन का एक माध्यम बना रखा था। उसने अपने शरीर को मनोरंजन के लिए, मजे के लिए एक माध्यम बना दिया था। कुरिंदों के पहले पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 19:20 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें निवास करता है। ये आपको दिया गया है, ये शरीर आपको दिया गया है। सोचिए इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, कान नहीं है, सुन नहीं सकते हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, हाथ नहीं है, लेकिन आपको एक सुंदर सा जीवन, सुंदर सा शरीर मिला। ये आपको दिया गया है, आपने कहीं से खरीदा नहीं है, आपने मूल्य नहीं चुकाया है, आपको दिया गया है। लोग इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं कि ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इसलिए आप पढ़ेंगे उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 11 में, बहुत सुंदर वचन है, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, युवती अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। वचन कहता है अपने युवावस्था में मनोरंजन करो, जवानी में आनंद मनाओ, हृदय और आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अगले अध्याय में, अध्याय 12 में लिखा हुआ कि 1 में अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। उमंग में, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में बनाने वाले को ना भूलो। वचन कहता है उसे याद रखो। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं जानता हूँ जीवन का मार्ग फिसलन से भरा हुआ है, विशेष करके युवावस्था में आप बहुत ही नाजुक हैं। ऐसे क्षणों में हमें सतर्क रहना है, हमें संभलना है और संभालना है, वरना हम भी गिर जाएंगे और गिरने के बाद हड्डियां टूट जाती हैं, परेशानियां होती हैं, चोट खाते हैं, सारी जिंदगी उसको मरम्मत करते ही बीत जाती है। अब सवाल ये खड़ा होगा, अगर आप इस प्रकार का अनुभव कर चुके हैं, लड़कों ने या लड़कियों ने आपको धोखा दिया है, आप क्या करेंगे? अभी एक सप्ताह पहले टेलीफोन कॉल मिला था हमारे प्रार्थना दल के सदस्य को, एक लड़की कह रही है मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, उसने मेरे साथ इतना सारा करने के बाद उसने क्यों दूसरे से शादी कर ली, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। एक छोटी बहन को मैं जानता हूँ जो इसी तरह जीवन जीती थी और वो रो रही थी कि उसने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की। मैंने कहा बेटा एक तो तुमने पाप किया कि अपनी ज़िंदगी को इस पाप पर बनाना चाहते हो, अपने जीवन का निर्माण इस पाप पर करना चाहते हो, भूल जाओ, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, प्रभु से माफ़ी मांगो कि प्रभु मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, लेकिन मैं एक नई ज़िंदगी चाहता हूँ, एक नई ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ईमानदारी से वापस आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियों को मैं जानता हूँ जिनकी मदद हुई है
और वे अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी रहे हैं। होश में आओ, वापस आओ, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। डोंट वरी, जो बीता उसको सपना समझ लो और जो होने वाला है उसको स्वीकार कर लो। फिर एक बार याद करना इसायाह अध्याय 43 वाक्य 18 और 19, प्रभु क्या कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो बेटा। ये अवस्था में गलती हुई, आपसे भी गलती हुई, उससे भी गलती हुई, जाने दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखते? उस नए कार्य की ओर अपनी दृष्टि लगाना, आगे की ओर दृष्टि लगाना, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर दृष्टि लगाना और खुशी के साथ आगे बढ़ना। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, एक बहुत ही नाजुक विषय पर हम लोगों ने मनन किया है, इस समय प्रार्थना करता हूँ अपने छोटे भाई बहनों के लिए, आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। जो अभी तक गिरे नहीं उनको बचा के रखना यीशु, जो गिर गए हैं प्रभु यीशु उनको फिर एक बार सुरक्षा देना, उनको फिर एक बार अपने जीवन के मार्ग पर ले आना, उनको आशा देना यीशु, उनको प्रोत्साहित करना यीशु, उनकी निराशा को मिटा देना यीशु, उनको एक नई आशा प्रदान करना, एक नए जीवन के लिए एक नई आशा। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। गीत गाएं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे इतनी शक्ति दीजिए ताकि मैं इस फिसलन भरे मार्ग पर हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकूं। मैं तो टूटा हूं, मुझको जोड़ने को तू आ जा, हे पावन आत्मा। तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा, तेरी जरूरत है हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा।